Alexa, read my notification. Your monitor will arrive today. Monitor आ गया शायद. देख रहा हूँ. अब आपको लग रहा होगा कि इतने सारे बॉक्सेस क्यों इकट्ठे करे हुए, क्या ये गंद मचाया हुआ है. सो जब से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है लॉकडाउन में, ये मंगवाया बिकॉज ये कंफर्टेबल है. बट इसमें एक बार बैठ गए तो हमारे जैसे मोटे आदमी को उठने में प्रॉब्लम होती है. और डाइनिंग टेबल बैठ बैठ के यहाँ पे कुर्सी बिल्कुल कुशन उसका खत्म कर दिया, बिल्कुल फ्लैट हो गई है. और बार स्टूल पे बैठ के बिल्कुल बार वाली फीलिंग आ रही है. मन कर रहा है कि ड्रिंक्स हो जाए कुछ, मॉकटेल नॉट कॉकटेल. और ये बॉल चेन मंगवाई थी कि कोर स्ट्रांग होगा इससे. स्ट्रेट बैठ के 10-15 मिनट इसमें बैठे होंगे, कमर में दर्द हुई, उसके बाद कभी बैठेंगे. इसलिए अब बहुत जरूरी था कि ऑफिस सेटअप करा जाए घर पे. ये रूम पूरा खाली पड़ा हुआ है, कुछ सामान नहीं मिल रहा था. फर्नीचर सारा सोल्ड आउट हो चुका है, मॉनिटर स्क्रीन सब कुछ सोल्ड आउट हो चुका था. इंडिया की तरह यहाँ पे आपको सब सेटअप नहीं मिलता, आपको सब कुछ बॉक्सेस में मिलता है एंड आपको खुद असेंबल करना पड़ता है. सो दैट्स अगेन ए टास्क. लेट्स सी हम कितने कामयाब हो पाते हैं, हमारी चेयर बनती है कि नहीं, हमारा टेबल बनता है कि नहीं. तो स्टार्ट करते हैं सबसे मुश्किल चीज से. मुझे लग रहा है चेयर सबसे कॉम्प्लेक्स होने वाली है. चेयर से पहले स्टार्ट करते हैं. विश अस लक. तो जैसा कि मनप्रीत ने बोला कि सब कुछ खुद से असेंबल करना पड़ता है, सब ऐसे पीसेस में आता है. तो सबके साथ इंस्ट्रक्शन मिलती है. इसके साथ देखते हैं कितनी इजी है, बिकॉज कुछ कुछ फर्नीचर में ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है बिल्कुल समझ नहीं आता कैसे बनाना है. तो देखते हैं इतने सारे, बहुत सारे इसमें कॉम्पोनेंट्स हैं. और टाइम भी नोट करते हैं कितना टाइम लगा पूरा ऑफिस बनाने में. कितना टाइम हो रहा है, 7:35 PM हो रहे हैं. देखते हैं कितना टाइम लगता है. स्टार्ट करते हैं चेयर से पहले. अभी काम शुरू ही हुआ है और कैजुअलिटी हो गई है हमारी. इंजरी तो होती है, इंजरी तो होती है. तो डॉक्टर साहब आ चुके हैं साइड पे. लाओ डॉक्टर साहब यहाँ पे, बताइए स्टिचेस लगेंगे. सो लर्निंग ये मिली है, पहली बार हम हैवी सामान कुछ असेंबल कर रहे हैं. अभी तक सारा लकड़ी का करते थे, यहाँ पे स्टील का भी है, बहुत हैवी सामान है. तो बहुत केयरफुल होके असेंबल करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी. इंडिया की बहुत याद आ रही है जब नीचे से हम बुला के ले आते थे किसी को, लेबर को. एक इंजरी के बाद और आई थिंक आधा घंटा 45 मिनट्स हो गए होंगे के बाद आधी चेयर रेडी हो गई है. बेस रेडी है, बैक बाकी है. और लर्निंग ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि आप अकेले बना लोगे, बहुत इजी है. छोटी सी चेयर है, छोटा सा टेबल है, दो जनों का काम होता है. एक बंदा हेल्प के लिए आपको चाहिए होता है, एक छोटू चाहिए होता है साथ में. चाहे बटर चिकन बनाओ, चाहे सेटअप करो. कैसा लगा आपको? बढ़िया बढ़िया. और आप लोग सोच रहे होंगे कि गेमिंग चेयर हमने क्यों ऑर्डर करी है. सो जैसा मैंने अभी दिखाया था, किसी ना किसी चेयर पे बैठ के टुई में दर्द होने लग जाता है. सो मैंने लॉजिकली सोचा कि गेमिंग चेयर उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो बहुत देर तक बैठते हैं और घंटों घंटों बैठ के गेम खेलते हैं. सो मैंने सोचा, और इसमें मसाजर भी है, ये सेकंड रीजन है. सो मैंने सोचा कि ये ज्यादा कंफर्टेबल होगी, ऐसी बनाई गई होगी, बहुत टाइम तक इस पे बैठ सकते हो. सो इस कलर के लिए और इस डिजाइन के लिए हमारी बहुत लड़ाई हुई है. आप बताओ आपको कैसा लग रहा है कलर, क्योंकि मुझे ये कलर नहीं चाहिए था. यार ऑप्शन ही नहीं था, बहुत ब्राइट कलर्स थे. तो इनका इनका लॉजिक ये था कि तुम कॉल्स पे जाओगे या हमारी ऑफिस की कॉल्स होंगी तो अच्छा नहीं लगता. ये थोड़ा सेटल कलर था बट स्टिल लाइक ऑप्शन नहीं था, बिकॉज सब लोग अभी ऑफिस अपना घर पे सेटअप कर रहे हैं. टेबल मॉनिटर, मॉनिटर भी हमें अपनी चॉइस का नहीं मिला, पता नहीं कौन सा बैनक्यू का मिला है. सैमसंग का हमें लेना था, वो सब सोल्ड आउट है. सब घर पे चेयर भी कोई ऑप्शन नहीं था. एनीवेज डाइवर्ट नहीं करते, फोकस करते हैं काम पे. ऊपसी, बिना सपोर्ट के रेडी हो गई है हमारी चेयर. रेडी हो चुकी है, सपोर्ट नहीं ले सकते. बट अभी ये बोल रही थी कि मेरे को ये कलर पसंद नहीं आ रहा, और उसी कलर का ये शॉर्ट्स पहन के घूम रही है. दैट्स जस्ट कोइंसिडेंस. दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, दैट मींस यू लाइक मिलिट्री कलर. कैमोफ्लॉज. मैं थोड़ा थक गया हूँ तो मैंने जूनियर एक लेबर बुलाया. $5 per hour. जल्दी करो जल्दी करो. ये लो जी आपके निकाल दिए, टूर साइड ढीले कर दिए हमने. ये है लाइफ इन कनाडा. सो आफ्टर एक घंटे की मेहनत हमने अपनी ये चेयर बना ली है. इतने एफर्ट्स लगाए, थोड़ा मसाज भी कर लेते हैं. वो बटन खाया. बहुत मस्ती होगी, वापस काम पे चलते हैं. अभी सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, एक ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है. एक घंटा उसमें वेस्ट हो गया है. सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट ये होने वाला है, टेबल बहुत हैवी है. लेट्स सी इसमें कितना टाइम लगता है.
चेयर में हमें 1 घंटा लगा है, सो आई होप इसमें कम लगे बिकॉज इट्स जस्ट अ टेबल, बट अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जब तक अंदर क्या है वो पता चलेगा। कितने कॉम्पोनेंट्स है उस पर डिपेंड करता है, कितने लूज पार्ट्स है। Let's do it. तो ये थोड़ा इजी लग रहा है प्रोजेक्ट, कॉम्पोनेंट्स इसमें बहुत सारे हैं बट उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट मैं देना चाहूंगा मनप्रीत को। I'll do it. टारगेट 1 घंटे के अंदर फिनिश करना है। आधे घंटे में। I'll be there to help, but she will figure out कि क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या लगाना है इसके अंदर। इसमें मेरा बहुत बुरा हाल है। बहुत ज्यादा ही हार्ड, बहुत टाइट है। बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। So your time starts now. दाओ, लाओ। आज हम आपको सिखाएंगे टेबल कैसे, गेमिंग टेबल कैसे बनाते हैं। इट्स नॉट नॉर्मल टेबल, ओके। तो पहले ये बताओ गेमिंग टेबल लिया क्यों है? बिकॉज हमने गेमिंग चेयर ली थी तो हमें उसे मैच करने के लिए गेमिंग टेबल लेना पड़ा, बट मुझे अब लग रहा है कि हमने गलती कर दी। एक्चुअल रीजन ये था कि सब कुछ खत्म हो चुका था, कुछ नहीं मिल रहा था। मरता क्या ना करता। अच्छा चलो, डोंट डिस्ट्रैक्ट, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। पोजिशन बॉटम बार सी सी क्लाइंब। एंट्री करो, CBS से ऑफिसर से बोलो कि हमें एक ड्रिल दे दो, बिकॉज ये आपसे ये बहुत काम, हर हफ्ते काम आने वाली है आपको, और ये आपको सही होगी, ये आपकी वेलकम किट में होनी चाहिए। देखा, परफेक्ट परफेक्ट जी, परफेक्ट। हाँ जी, मजा आ रहा है। थोड़े से गलत पेज लग गए थे बट अभी तो जो स्टार्ट हुआ था तो हमने वो निकाल के सही कर लिए हैं। मैप पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए, जो मुझे नहीं आता, बट ऐसे सीखेंगे। कनाडा आए हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, ये भी सीख लेंगे। देखो क्या क्या करना पड़ रहा है। इसको हम ऐसे करेंगे, तो हम स्टेप ये कर रहे हैं कि जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं वो पहले सेट करके देखेंगे, उसके बाद स्क्रूज लगाएंगे। जब निकालने पड़ते हैं तो बहुत मेहनत लगती है, सो पहले सेट कर लो, स्क्रूज रख लो, उसके बाद अपनी कलाकारी दिखाओ। सो हम एच ढूंढ चुके हैं, आई कहाँ पे आएगा। अरे मास्टर जी कहाँ चले गए? जो गलत काम था नीचे झुक के लेट के करने वाला, उस पे आउटसोर्स कर दिया, वो मेरे को करना पड़ा। आउटसोर्स कर दिया है, बट गुड जॉब डन, पूरा बन चुका है, थोड़ा सा रहता है वो मैं कर दूंगा फिनिश। एक्चुअली बहुत मेहनत थी इसमें, बिकॉज बहुत छोटे छोटे स्लॉट्स हैं, सबके अलग टाइप के स्क्रूज थे, एंड हर स्क्रू को लगाने के लिए अलग बिट, हाँ बिट लगानी पड़ रही थी ड्रिल मशीन में। सो बहुत मेहनत का काम है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा 70% कह सकते हैं हो गया है। देखते हैं, अभी हमारे लगे हुए हैं नीचे मास्टर जी हेल्प कराने, मजदूर मजदूर मजदूर। बहुत टाइम लगा दिया, कितने 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से ऊपर हो गए। तो टेबल चेयर रेडी है, सिर्फ मॉनिटर रहता है। ऑब्वियसली मेरी चॉइस का नहीं मिला, सैमसंग का नहीं मिला, बिकॉज सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, सारे घर पे अपना ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, सारे मॉनिटर डेस्क चेयर सबको सोल्ड आउट था इसलिए। सो कॉस्ट भी आपको एंड में बताएंगे सबकी, सो देट थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं था तो जो भी मिल रहा था बस वही लेना पड़ा, बट ये हमारे रूम की थीम के साथ जा भी नहीं रहा, वाइट यहाँ पे अच्छा लगता टेबल, बट मजबूरी में क्या करें। वन रीजन फॉर बाइंग दिस मॉनिटर वॉज, हमें बड़ा मॉनिटर चाहिए था और कॉस्ट इफेक्टिव भी चाहिए था, तो उस रेंज में और अवेलेबिलिटी वाइज यही मिल रहा था। चलो देखते हैं अंदर क्या है। कुछ ना कुछ तो चाहिए क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, तो सब कुछ सोल्ड आउट था। तो सेटअप हो गया है, ऑसम लग रहा है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर लग रहा है, और टाइम भी ज्यादा नहीं लगा। 7:30 पे स्टार्ट किया था, अभी टाइम हो रहा है 11:30, सो अप्रोक्सीमेटली 4 hours, जिसमें मैंने नीचे जाके काम भी किया है। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड टीम वर्क, गुड टीम वर्क। सो मेरे को ये डेस्क मिलने नहीं वाला, तो थोड़ी देर मैं बस बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ, मैं अपना अगेन उसी टूटी फूटी चेयर पे जाके बैठने वाला हूँ, बिकॉज मैम लेंगी डेस्क, मैं जुल के करेंगे, नहीं मैं यही कार्पेट पे बैठ के कर लूंगा। तो कॉस्ट जल्दी से बता देते हैं यार, ज्यादा खर्चा हो सकता था बट सिर्फ बचा खुचा सामान ही बचा हुआ था अमेजोन पे, सो वही लिया। अराउंड 250 के अराउंड टेबल है, जो गेमिंग टेबल है, ये जो चेयर है गेमिंग चेयर, ये भी अराउंड 220-250 डॉलर के आसपास है, और जो मॉनिटर है वो भी 220-250 के आसपास है। सैमसंग का लेना था, और भी बेटर स्क्रीन हो सकता था, ठीक है, बैन क्यू पता नहीं कौन सा है, मैंने पहली बार कंपनी का नाम सुना है, ठीक है, बट कीबोर्ड माउस ये भी अराउंड $50 के आसपास है। सो ऑल इन ऑल अराउंड $1000
डॉलर का खर्चा मान के चलो, बट ठीक है अभी इमरजेंसी थी इसलिए सेटअप करना था। मे बी आफ्टर वन ईयर टू ईयर इस रूम के अकॉर्डिंग मे बी वाइट डेस्क वाइट चेयर प्रॉपरली ले लेंगे, तब तक काम चल जाएगा। और माइक मैं आपको बताऊँ, ये जो आप देख रहे होगे बहुत ऑसम माइक है, सेंड बाय मायोनो, मैं लिंक दे दूंगा अमेजोन का, इट इज वेरी नाइस। लेट मी गिव यू अ क्विक सैंपल। हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू कैनेडा कपल। कैसी ऑसम आ रही है वॉइस, मस्त आ रही है ना। सो गोइंग फॉरवर्ड जितने भी वीडियोस बनेंगे उसमें वॉइस ओवर होगी, ऐसी ऑसम वॉइस आएगी, स्टिक अराउंड। और अच्छे अच्छे गाने भी सुनने को मिलेंगे आपको मधुर आवाज में। सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर ऑफिस सेटअप। ऑब्वियसली बहुत बेसिक चीजें भी हमने रखी हैं और चीजें एड ऑन होंगी जैसे जैसे टाइम के साथ। और हाँ, होम टूर भी बाकी है, सो ऐसे ही धीरे धीरे सेटअप कर रहे हैं और जल्दी ही आपके लिए होम टूर लेके आएंगे। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है आपके माइंड में तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। एंड थोड़ा सा बेसिक हो रहा है बिकॉज सारी शॉप्स बंद हैं, सारे आउटलेट्स बंद हैं। सो बेसिक चीज जो भी मिल रही है ऑनलाइन में भी छोटी शॉप्स पे उसी से हम डेकोर कर पा रहे हैं। बट होम टूर जब भी करेंगे वी होप कि आपको पसंद आए। सो सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डोंट मिस दैट वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। सो टिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ एंड स्टिक अराउंड।